नमस्कार, आप सभी का मेरी किचन में स्वागत है। आज हम बेसन की बर्फी बनाने जा रहे हैं। तो मैंने ये 400 ग्राम मावा लिया है और ये मैंने आधा केजी बेसन लिया है और ये मैंने एक कटोरी घी यानी कि वही 200 ग्राम के करीब घी लिया है मैंने, और एक कटोरी मैंने चीनी ली है, और ये मैंने काजू कट किए हैं, पिस्ता और ये खरबूजे के बीज। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे। हमें सिलो रखनी है, ज्यादा तेज नहीं करना। सबसे पहले खरबूजे के बीज डालेंगे, हल्का सा इन्हें भुनेंगे। जब बीज भुनने लगते हैं तो इनमें थोड़ी सी आवाज आने लगती है और ये फूलने लगते हैं। देखिए, हल्के से भुनने और इनमें आवाज आने लगी है, भून गए हैं। तो इनमें एक प्लेट में निकाल लूंगी। स्लो गैस पे अपना हल्का सा ये मावा भून लेते हैं। मैंने इसमें कोई घी भी नहीं डाला, हल्का सा ऐसे ही गर्म होने रख दिया है। स्लो गैस पे भूनना है हमें। भून लिया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे, जो मैंने एक कटोरी घी रख रखा है। अब हम बेसन भूनेंगे। बेसन भी हमें सिलो गैस पे भूनना है। इस तरीके से हमें भूनते रहना है मंदी गैस पे, जब तक बेसन में महक ना आने लगे भुनने की और उसका कलर चेंज ना हो जाए। बेसन हमें चलाते रहना, नहीं तो लग जाएगा और उसमें स्मेल हो जाएगी। ये देखिए, बेसन अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा ही लगाना है। इससे क्या होता है, बेसन दानेदार हो जाता है। ये देखिए, एकदम पानी का छींटा मारते कितने अच्छे से हुआ है और हमारा बेसन दानेदार हो जाएगा। अब हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, बेसन बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ये खरबूजे के बीज और मावा डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मावा और बेसन अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमें इसमें सबसे लास्ट में हम इसमें जो मैंने चीनी पीसी थी एक कटोरी, जिसकी बुरा बनाई है, अब वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम एक बर्तन में घी लगा लेंगे। मैंने इसमें लगा लिया है, किनारे वाली प्लेट होनी चाहिए, तो ये मैंने थाली में लगा लिया। अब मैं इसमें सारा ये मिश्रण डाल दूंगी। इस तरीके से हमें अच्छे से करना है सेट ये। और मैं इस पे जो मैंने पिस्ता और काजू काट रखे वो भी डालूंगी। ये काजू और ये पिस्ता डाल देंगे ऊपर से और से धीरे धीरे हम इस तरीके से
दबा देंगे ताकि इसमें अच्छे से सेट हो जाए, और ये जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तब हम इसमें बर्फी की कटिंग करेंगे। मैंने पूरी एक कटोरी पूरा नहीं डाली थी, कुछ बचा लिया है। बच्चे हल्का मीठा खाना पसंद करते हैं मेरे, आपको थोड़ा तेज मीठा खाना है तो पूरी कटोरी पूरा डाल सकते हैं। अभी जम गया, अब हम इन्हें कट करेंगे। तो इस तरीके से इस तरीके से और ये देखिए, तो बेसन और मावे की कितनी अच्छी बर्फी बनी है। ये देखिए मेरी बेसन की बर्फी कितनी अच्छी बनी है। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।